गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आपकी पिछली कक्षा में पार्ट 3 शिष्टाचार के बारे में पढ़ा था। आज इसके हम बेटा क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न में पहले वाला है आपका कि किसी से मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों, हमको नमस्ते करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमस्ते करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरों के दुख में हमें क्या प्रकट करना चाहिए। दूसरों के दुख में हमें क्या प्रकट करना चाहिए? सहानुभूति। क्या प्रकट करना चाहिए? सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 3 है, गलती हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। गलती हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई आपको कुछ दे तो उसे क्या कहना चाहिए। यदि आपको कोई कुछ देता है तो आप उससे क्या कहोगे? धन्यवाद। क्या कहोगे? धन्यवाद। क्या कहोगे? धन्यवाद। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान है तुम्हारा व्यवहार सारे डैश को बेइज्जती करा सकता है। तुम्हारा व्यवहार डैश में क्या आएगा? परिवार की, क्या आएगा? परिवार की बेइज्जती करा सकता है। 2 नंबर है, अच्छा व्यवहार ही क्या कहलाता है? अच्छा व्यवहार ही क्या कहलाता है? शिष्टाचार। क्या कहलाता है? शिष्टाचार। हमेशा अच्छी तरह कर ही बोलो, यानी सोच समझ कर बोलो। अतिथियों का खुशी से करो। अतिथियों का खुशी से क्या करना चाहिए? स्वागत। क्या करना चाहिए? स्वागत। सही उत्तर का चयन कीजिए। शेखर किसके साथ शहर गया था? किसके साथ शहर गया था बेटा? चाचा जी के साथ। दूसरों से कैसी बातें नहीं पूछनी चाहिए? निजी बातें। कैसी बातें नहीं पूछनी चाहिए? निजी बातें। कैसी बातें नहीं पूछनी चाहिए बेटा? निजी बातें। तो आइए अब करते हैं, हम निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लिखित प्रश्न है आपके। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अतिथियों के आने पर हमें क्या करना चाहिए। अतिथियों के आने पर, यानी मेहमान के आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा, मेहमान के आने पर क्या करना चाहिए? उसका उत्तर होगा, अतिथियों के आने पर हमें खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अतिथियों के आने पर हमें खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दूसरों के घर जाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है कि दूसरों के घर जाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा, किन किन बातों का ध्यान रखोगे? उसका उत्तर होगा, दूसरों के घर जाने पर पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजानी चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? उनके दरवाजे पर लगी घंटी बजानी चाहिए। घर के लोगों द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करना चाहिए। अगर घर के लोग आपको अंदर बुलाएं तो ही आपको प्रवेश करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। वहां कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्या लगे? बुरा लगे। वहां कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कैसा लगे बेटा? बुरा लगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, धार्मिक स्थानों पर क्या करना चाहिए। क्या है बेटा? धार्मिक स्थानों पर क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, धार्मिक स्थानों पर वहां के नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो हमें वहां के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर
हम उन धर्मों के प्रति क्या प्रकट करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या उत्तर होगा इसका? धार्मिक स्थानों पर वहां के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति क्या प्रकट करते हैं? आदर व्यक्त करते हैं। और किसी की धार्मिक भावना को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय पर्वों पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब राष्ट्रीय पर्वों पर किन बातों का ध्यान रखोगे आप? राष्ट्रीय पर्वों के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं उनके नियमों का क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। जैसे जब भी राष्ट्रगान गाया जाए, सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। सावधान की मुद्रा में क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। तो बेटा जितने भी मैंने आपको आज प्रश्न उत्तर कराए वो सारे आपको फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा। धन्यवाद।